मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है, क्वींस केयर क्लिनिक शील मुमरा में है। इसका मकसद ये है कि शमीम साहब की एक ऐसी सोच थी कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो सिर्फ लेडीज़ चलाएं और लेडीज़ के लिए हो। तो शमीम साहब की बेटी डॉक्टर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके वो है शकील भाई की वाइफ है शहनाज आपा, तो हम तीनों ने मिलकर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्टाफ मेरा लेडीज़ है, सिक्योरिटी से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके सब कुछ। NICU में पीडियाट्रिक वार्ड में जो डॉक्टर्स हैं वो मेल हैं, बट बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे फीमेल्स हों। फीमेल का हर तरीके का इलाज यहाँ पे होगा, बाईपास सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, कैंसर सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, हाई रिस्क सीजर, हम यहाँ पे हर किस्म का इलाज करेंगे फीमेल का और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। मशीनरी के बारे में बताएंगे क्या क्या मशीनरी यहाँ पर है खासतौर पे बच्चों के लिए? जी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखते हुए हमने जो NICU बनाया हुआ है वहाँ पे डबल डोर एंट्री की हुई है, वहाँ पे लैमिनार फ्लो लगा हुआ है। जो पांडा वार्मर है, साउथ एशिया में क्वींस केयर क्लिनिक पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे पांडा वार्मर है, जिसमें हम 0.5 kg का बेबी भी ट्रीट कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो नई बीमारियाँ आई हैं कोविड वगैरह, इसके लिए भी आपका हॉस्पिटल तैयार रहेगा? हाँ, अल्लाह ना करे किसी बच्चों को उसकी ज़रूरत पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाँ हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और OPD में क्या है? OPD सबके लिए है या सिर्फ OPD सबके लिए है? OPD में हर किस्म के डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे, तो OPD सबके लिए खुली हुई है, इसलिए हमारा OPD और IPD सेक्शन दोनों अलग अलग किया हुआ है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम है, उसमें से कुछ नाम बताएंगे? फील्डवर्क जो है, डॉक्टर पंकज हैं, डॉक्टर अमोल हैं, डॉक्टर कनक मिश्रा हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा हैं, रुचि मैडम हैं, डॉक्टर नीलोफर हैं। देखिए, जो ये कोरोना काल का वक्त बीच में हमारे बीच से गुजरा हुआ है, जिसमें मैं खुद, मेरी फैमिली, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब, पूरा परिवार, हम लोगों ने कोविड के अंदर जो सफ़र किए हैं उसमें हमने ये देखा कि जब हमें बेड बीच की ज़रूरत रहती थी तो हमें कहीं बेड भी नहीं मिल पाता था वक्त से। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा था कि आने वाले वक्त में बच्चों का भी कोविड का मामला हो सकता है, फोर्थ वे, थर्ड वे, इन सब चीज़ों को देखते हुए, और एक हमारे शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, ऐसा एक सपना था, एक सोच थी। इसको देखते हुए मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर आफरीन सौदागर मैडम को कि उनकी मेहनत, और एक ये भी मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर सना, वो खुद भी एक डॉक्टर हो गई है, तो मेरा एक सपना था कि मेरी बच्ची के लिए कोई हमें अच्छा सा खोल करके हॉस्पिटल दूँ। तो हमारे भाई शकील भाई जो हमारे पार्टनर हैं और डॉक्टर आफरीन सौदागर जी, हम लोगों ने मिल करके इसको एक अच्छा बनाने की कोशिश किया है, और हम इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि इसको लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, लोगों की अच्छी सहूलियात मिले। इन सब सोच के साथ, आपने कहा राजनीतिक, तो राजनीतिक जो है इस्लामुद्दीन साहब, वो भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक है। हमारा राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें कोई नेता बनना है या हम कोई नेता हैं। हम अपने आप को एक सामाजिक
समझते हुए हम सामाजिक इंसान हैं, सामाजिक ये भी एक काम आता है हेल्थ का, इसके हिसाब से एक ख्वातीन के हिसाब से, एक बच्चों के हिसाब से कि एक पर्दा का भी मामला हो जिस तरीके से हमारा इस्लाम सिखाता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए एक ये प्लान किया गया है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम लोगों के शकील भाई की, मेरी या डॉक्टर आफरीन के जो एक अच्छी सोच है, जो एक सपना है कि एक यहाँ से लोगों को मदद हो, लोगों की हेल्प हो सके, हम लोगों की अच्छी सर्विस दे सकें, अल्लाह ताला उसे पूरा करें, मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। ये कॉरपोरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी उनके पास कोई प्रोसीजर के लिए हम लोग गए तो उन्होंने सराहा इस काम को, और जब उनकी विजिट हुई तो मैं नाम के साथ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर हल्देकर साहब ने मुझे कहा कि शमीम भाई, मैं जब जाकर के विजिट किया और मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थाने जिला के अंदर भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जिस प्लानिंग से आप लोगों ने काम किया है। तो थैंक्स हो उनको मेरी तरफ से, और ऐसी अच्छी सोच के साथ हम लोग हमेशा चलना चाहेंगे। शमीम भाई, लास्ट बात, जिस तरह से हॉस्पिटल बना है, अच्छा चार्जेस को लेके कई बार जो है वाद विवाद भी हो जाता है, लेकिन आपका हॉस्पिटल अभी नया बना है तो इसमें क्या हिसाब से चार्जेस वगैरह है? ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, क्योंकि शमीम खान कभी डॉक्टर आफरीन सौदागर कोविड में बहुत मेहनत किया उन्होंने, मैडम को भी हम फ़ोन करके कि मैडम जरा फला पेशेंट है उसका कंसेशन कीजिए, हम बिलाल हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल मुमरा में हैं, जुपिटर हॉस्पिटल तक हम फ़ोन करते हैं, तो 100% मुझे कॉल आने वाले हैं, और वो कॉल आने के पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट के जो चार्जेस हैं वो मिनिमम रहे, जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। हाई फाई ज़रूर बनाया है लेकिन इसको उस चार्जेस के साथ में नहीं, रिजनेबल चार्जेस के साथ में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये पूरी कोशिश मेरी और हमारे भाई शकील भाई की और डॉक्टर आफरीन की होगी। मैंने BHMS कंप्लीट किया है, डैडी का सपना था, इसको चलाना है अच्छे से, बहुत स्ट्रगल हुआ है, मैम ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, मेरे डैडी ने बहुत मेहनत किया है इसके अंदर, इंशाल्लाह इसको आगे बहुत आगे तक लेके जाना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल मैडम और सर के लिए कि उन्होंने ये ऐसा सोचा, दिस इज़ अ रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट दिस वेंचर। और ये जो हॉस्पिटल है ये आपके लिए, हम ना केयर में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ना आपको कोई सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। आप आके इट्स अ लाइक मेरी तरफ से ये है कि आप आके प्लीज़ एक बार पेशेंट्स एंड द सर्विसेज आप देखिए, आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन मुमरा एज वेल एज थाने। यहाँ पे लेडीज़ का ट्रीटमेंट, लेडीज़ विल बी वेरी कंफर्टेबल हेयर बिकॉज इट्स अ प्योर लेडीज़ हॉस्पिटल विद द एंटायर लेडीज़ स्टाफ। सो यहाँ पे क्वालिटी केयर भी मिलेगी और साथ साथ लेडीज़ को कंफर्ट भी मिलेगा। आपका नाम क्या है? डॉक्टर रुचि अग्रवाल। मैडम आप कुछ बोलेंगे? आगे आइए, ऊपर ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा सब बोलिए। मेरा नाम शाइस्ता रावल है, आई एम द सेंटर हेड हियर। So I am blessed to be attached with this project because this hospital itself, because it is promoting and encourage all the females. We are giving services to all the females, but at the same time, it is encouraging the staff as well. So I am blessed to be with it. यहाँ पे जो है हम लोग 500 ग्राम से लेके 4.5 किलो के बच्चे, 5 किलो के बच्चे तक का इलाज करेंगे। जिसको भी पैदा होते समय रोया नहीं है, या फिर पैदा होते समय पेट में संडास कर दिए है, या फिर कम वजन का है, या फिर निमोनिया है, जो भी छोटे बच्चे की बीमारी है उसका पूरा इलाज यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें कुछ मशीनें खास आई जो यहाँ पर पांडा या यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे पांडा वार्मर लिया है, जो कि यहाँ के साउथ ईस्ट एशिया में पहला वार्मर है जो हम लोगों ने लिया है, जिसमें इनबिल्ट ECG फैसिलिटी, इनबिल्ट वेंटिलेटर फैसिलिटी है, जहाँ पे कि हम लोग वहीं पे बच्चे का इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं एक ही जगह पे। यहाँ से बच्चे को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मान के चलिए नीचे हम लोग लिए हैं बच्चे को, मान कैजुअलिटी में आया है और तुरंत हमारे पास नीचे ही हमने उसकी सुविधा प्रोवाइड की हुई है, तो वहीं पे जो भी है हम लोग वहीं पे पूरा इलाज कर सकते हैं बिना कहीं उसको बच्चे को हिलाए। और ये जगह पे मैं होटल बनाने वाला था, तो शमीम साहब आए एक दिन मुझे मिले, बोले यार होटल मुमरा में बहुत है, एक अच्छा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आप हमारा साथ दो, हम लोग यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं। अब ये जो भी बनाया है सब शमीम भाई ने ही पूरा हर चीज़ देखे हैं और आगे अल्हम्दुलिल्लाह यही देखेंगे, सब संभालेंगे।